फूलन देवी और मुकेश सहनी एक बार फिर चुनाव के पहले ही यूपी में बड़ा चर्चा गर्म हो गया है। नहीं देखिए, लोग सब अलग अलग लोगों को मानते हैं, कोई राम को मानते हैं, कोई रहीम को मानते हैं। हम फूलन देवी के वंशज हैं, हम फूलन देवी को मानते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे हम। यूपी में चुनाव है लेकिन बिहार में भी सियासत गर्म है। इस वक्त हम बिहार सरकार में मंत्री और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के साथ, और ये देखिए कि इनके बंगले में ये बड़ा सा फूलन देवी का जो तस्वीर लगी है, यह इस बात को दर्शाती है कि फूलन देवी का चेहरा इस बार यूपी चुनाव में कितना अहम होगा। हम सीधे बात करते हैं मुकेश सहनी से। मुकेश जी, फूलन देवी और मुकेश सहनी एक बार फिर चुनाव के पहले ही यूपी में बड़ा चर्चा गर्म हो गया है। देखिए, लोग सब अलग अलग लोगों को मानते हैं, कोई राम को मानते हैं, कोई रहीम को मानते हैं। हम फूलन देवी के वंशज हैं, हम फूलन देवी को मानते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे हम चलते हैं, संघर्ष करना सीखे हैं उनके बताए हुए रास्ते पे और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम लोग तो हमेशा उनको मानते हैं और हमने तो कुछ नहीं किया। उनके जयंती शहादत दिवस के अवसर पर हम लोगों ने उनके लिए कार्यक्रम रखा, लेकिन सरकार को पसंद नहीं था इसलिए इशू खड़ा हो गया। और इस बार फूलन देवी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में सब लोग उनको याद करने लगे हैं। हाँ बिल्कुल, जब से वीआईपी पार्टी ने फूलन देवी को याद किया, तस्मूर्तियाँ बना के भेजी गई और उसके बाद से कई जो और भी दल हैं वो भी फूलन देवी का चेहरे को आजमाने लगे हैं और फूलन देवी को याद करने लगे। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है, बड़ी बात यह है कि मुकेश जी, यहाँ पर काफ़ी दिनों तक आपकी पार्टी ने संघर्ष किया और अब सत्ता में है, आपका रुख एक बार फिर यूपी की तरफ आ रहा है, यूपी को लेकर आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? देखिए, यूपी में संघर्ष तो हम लगातार 2014 से बिहार और उत्तर प्रदेश लगातार कर रहे हैं। 2016 से ही उत्तर प्रदेश में हम काम कर रहे हैं, गौराज निषाद जी का बड़े प्रतिमा लगाना या संगठन के माध्यम से काम करना, लगातार हम लोग उत्तर प्रदेश में लगे हैं। इस बार 2022 का चुनाव है तो निश्चित तौर पे स्पेशल हम प्लानिंग कर रहे हैं। अभी हमारा इच्छा है कि हर घर घर तक फूलन देवी का प्रतिमा लगे, इसके लिए 50,000 प्रतिमा बनाई जा रही है। मुंबई में, बिहार में, दिल्ली में, अलग अलग जगह पे लोगों को काम दे के काम चालू है और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि जहाँ जहाँ हम लोग चुनाव लड़ेंगे, हमने 165 सीट को हमने चिन्हित किया है, तो ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि हर बूथ पर फूलन देवी का प्रतिमा लोग अपने घर पे लगाएंगे। हमने ऑनलाइन आवेदन लिया है जिसमें अभी तक हमारे पास कम से कम 90,000 आवेदन हमारे पास आ चुका है फूलन देवी का प्रतिमा भेजने का। अभी हमारा 50,000 का लक्ष्य और हमें चुनाव से पहले हम घर घर तक फूलन देवी का प्रतिमा भेजेंगे और इसका कार्यक्रम आने वाले समय में दिखेगा। रहा कि पॉलिटिकल पार्टी हमारी बनी है, हमने बिहार में संघर्ष करके सत्ता के नज़दीक पहुंचे हैं, सत्ता में हैं और उसी तरीके से हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी हमारी पार्टी मजबूती से काम करे, निषाद समाज के हक अधिकार की बात करें उनके, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में एक ही हमारा नारा है, निषाद समाज को आरक्षण मिले। जब बंगाल में और दिल्ली में निषाद को आरक्षण है तो बिहार और उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, और उसी को संघर्ष करते करते ये पॉलिटिकल पार्टी बना। हम बिहार मंत्री बनने के लिए मुंबई से नहीं आए, हम अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए आए और ये एक मेरा पड़ाव है कि आज लड़ते लड़ते पार्टी बना और पार्टी बनने के बाद आज हम सरकार का एक हिस्सा है और हम आज मंत्री हैं। लेकिन मैं मंत्री सोच के मैं कभी भी बिहार नहीं आया था, तो मेरा आज भी लड़ाई वही है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। देश एक है, संविधान एक है, तो फिर निषाद के साथ भेदभाव क्यों? जब बंगाल में आरक्षण मिल सकता है, जब दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश या झारखंड में क्यों नहीं? तो यही मेरा नारा है। केंद्र सरकार से मैं इसी को लेकर हमेशा उनके संपर्क में रहा कि निषाद को आरक्षण मिले और मैं अभी भी मैं केंद्र सरकार से कह सकता हूं कि मैं नाराज़ हूं कि केंद्र सरकार ने कई बार वादा किए कि आरक्षण करेंगे लेकिन अभी तक आरक्षण नहीं हुआ। तो इस बार हम अपनी ताकत दिखाएंगे, हम लड़ेंगे, हम उत्तर प्रदेश में कितना बेहतर कर पाएंगे वो समय बताएगा, लेकिन हम निश्चित तौर पर वहाँ पर लड़ेंगे। इस बार देखा जा रहा है कि पूर्वांचल के जो सीट हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे यूपी में सत्ता जिसको मिलेगी, जिसकी मकर पूर्वांचल में मजबूत होगी वो यूपी में सत्ता हासिल करेगा। पूर्वांचल में निषादों की काफ़ी अच्छी तादाद है, पूर्वांचल को लेकर आपके पास क्या है? पूर्वांचल में ही मैक्सिमम जो 165 सीट है जिसमें से कह सकते 125 सीट पूर्वांचल का ही है, तो उस पर हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। हम कितना जीतेंगे इसकी दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी स्थिति बहुत अच्छा होगा, हम ऐसे कोई भी सीट पे हमारा जमानत जब्त नहीं होगा। और आप कह सकते कि जब हम अगर लड़ेंगे, अगर जमानत हमारा अगर जब्त नहीं हुआ तो मान लीजिए कि सामने वाले को अच्छा खासा 50 से अधिक सीट को उसको हारना पड़ेगा। तो हमारा पॉलिसी एकदम स्पष्ट है, आरक्षण नहीं तो किसी से गठबंधन नहीं और मजबूती से हम अकेले लड़ेंगे और दिखाएंगे कि हमारे पास वोट क्या है। क्या बात चल रही है सर, तो संजय निषाद एनडीए के खेमे में जा चुके हैं,
आपके साथ क्या है, आपको लगता है कि अमित शाह फिर आपको मौका देंगे और यूपी में फिर एनडीए गठबंधन में आपको शामिल किया जा सकता है? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात, हमें किसी से मौका नहीं चाहिए, ठीक है? रहा कि हमने आज तक किसी के साथ हम हाथ फैलाने के लिए नहीं गए, हम हाथ एक ही चीज़ के लिए फैला रहे हैं कि निषाद को आरक्षण हो, और उसके अलावा हम कभी किसी से कोई परवाह नहीं करते। हम पहले भी बिहार में लड़ाई लड़े, संघर्ष किए, हमने एक एक सीट पर लड़ के दिखाया कि मेरे पास 25,000 वोट है, और मैंने ये साबित कर दिया तो लोग हमारे पास आए चल के कि आप हमारे साथ गठबंधन कीजिए। बिहार में यूपीए ने हमारी ताकत देखा, 5 लाख लोगों को भीड़ हमने गांधी मैदान में लाया तो यूपीए की तरफ से निमंत्रण आया कि हमारे साथ गठबंधन कीजिए। इसी तरीके से हमने समय समय पर अपनी ताकत दिखाया, लोगों ने अप्रोच किया, हमसे गठबंधन किया या समर्थन प्राप्त लिया, तो इसलिए अभी उत्तर प्रदेश में भी हम अपनी ताकत दिखाएंगे। एक बार हमें ताकत दिखाना है और 2022 में, और 2027 हो या 2024 हो, लोग हमारे पास सामने से आएंगे। 2022 में अगर आपके पास ऑफर आता है तो आप शामिल होंगे इंडिया में? नहीं, फिलहाल अभी तो हमारे एक ही मुद्दा है, फिर आरक्षण पे जब तक ठोस निर्णय होगा, नहीं होगा, बात नहीं होगा, तब तक हम फिलहाल तो नहीं है। 2022 के चुनाव में आरक्षण आपका सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा, रहेगा आपके साथ, या फिर सीटों के बंटवारे में जो हिस्सेदारी है उसको लेकर? नहीं, देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी है, सीट की बंटवारा पे भी ध्यान रहेगा, प्लस हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य जो है आरक्षण, वो सबसे सर्वोपरि है, तो वो हमेशा रहेगा, ठीक है? उसके बाद ही कोई बात होगा। तो निश्चित तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी है तो राजनीति करना चाहेंगे तो अगर ऐसा सिचुएशन आया तो गठबंधन करने का तो वो भी हो सकता है, लेकिन पहले आरक्षण। अभी आप निकलने वाले हैं लगातार यूपी में सभाएं करने वाले, कब से शुरू होगा, कहाँ कहाँ? 9 तारीख से, 9 अक्टूबर से रैली होना है, 31 अक्टूबर तक 12 जगह हमने चिन्हित किया है, 12 जगह रैली होना है। उसके बाद हमारे सर्वे की टीम जो है वो पूरा उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कैंप, 165 जगह लोग अपॉइंट होंगे, फिर प्रतिमा जो 50,000 प्रतिमा घर घर तक भेजना है उसका कार्यक्रम हम लोग अभी आने वाले समय में करेंगे। हमारे चुनाव चिन्ह जो है रथ, वो भी हरी झंडी दिखाया जाएगा, तो कह सकते हैं अक्टूबर महीने में लगातार हमारे उत्तर प्रदेश में दौरा भी रहेगा और कार्यक्रम एक एक दिखेगा। बिल्कुल, हमारे साथ हैं मुकेश सहनी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यूपी चुनाव इनके लिए शक्ति प्रदर्शन का होगा, और जिस तरीके से ये बिहार में अपनी लड़ाई लड़ते आए हैं निषादों के साथ, उसी तरह यूपी की निषाद के साथ इनकी पार्टी खड़ी है, और जब तक सम्मानजनक समझौता नहीं होगा ये किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हो। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।